4 2018 को एक शिकायत आई थी आइसक्रीम के बारे में। जीवत राम पान भंडार जो क्वालिटी होटल के पास उनकी दुकान है, वहाँ से शिकायत थी कि ये आइसक्रीम ठीक नहीं है। तो उस जगह से सैम्पलिंग हुआ था आइसक्रीम का, वो सब स्टैंडर्ड होके आइसक्रीम आई थी जो राज्य प्रयोगशाला है वहाँ से। वो सब स्टैंडर्ड होने के नाते मालिक ने जो है दोबारा जांच के लिए भेजा कि हमारा जो है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी से जांच कराई जाए। सेंट्रल फूड लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट आ गई है जिसमें नमूना अनसेफ पाया गया, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जिसमें डिटर्जेंट पाया गया और अमोनियम सल्फेट तथा माल्टोडेक्ट्रिन। इस कारण जो है डिटर्जेंट के कारण वो नमूना अनसेफ घोषित किया गया है। अच्छा, ये अब इस पे आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई हम लोग उस तीनों पार्टी जिसमें विक्रेता भी है, सप्लायर और निर्माता है, तीनों के खिलाफ जो है मुकदमा बना के आयुक्त महोदय लखनऊ से संस्तुति लेंगे और उसके बाद वो CGM कोर्ट में दायर किया जाएगा। इसके वितरण पे भी कोई रोक लगेगी? वितरण के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा कि अपना वो आइसक्रीम बंद कर दें, जब तक कि उनके कुछ रिलीफ, कहीं से यदि वो रिलीफ लेना चाहेंगे तो हमारे आयुक्त महोदय के पास आवेदन करेंगे।